नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द प्रयास एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कॉमर्स 11 की क्लास का सहायक बहियों में से क्रय बही और विक्रय बही। जी हां दोस्तों, क्रय बही और विक्रय बही दोनों एक साथ दिया हुआ है, उसमें से हमको छांट कर बनाना है। जी दोस्तों, हमको छांट कर बनाना है। तो चलिए हम पहले सवाल पढ़ लेते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनमें से देखेंगे कि कौन सा क्रय बही में जाएगा और कौन सा विक्रय बही में जाएगा, इसको हमको छांट कर बनाना है। तो चलिए दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, निम्न व्यवहार को राठी अंशांश के क्रय एवं विक्रय बही में दर्ज कीजिए। यहाँ पर क्रय और विक्रय बही दोनों एक साथ मर्ज करके दिया है, हमको अलग अलग छांट कर बनाना है, अलग अलग करके बनाना है। ठीक है, पहला दिया है आपका सन 2002 को अगस्त 10 को शीतल एंड ब्रदर्स से खरीदा, से खरीदा बोले मतलब ये अपना क्रय बही में जाएगा। ठीक है, 10 टीन घी दर 800 रुपए प्रति टीन, 15 बोरा सबका दर 1000 रुपए प्रति बोरा, 10% व्यापारी बट्टा। ठीक है, इसमें का जो भी गुना भाग करेंगे उसके बाद इसमें किसमें जाएगा, क्रय बही में जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया आपका 12 अगस्त को राजेश कुमार सिक्को बेचा, राजेश कुमार को बेचा गया है आपका 12 अगस्त को, 4 बोरा शक्कर दर 1200 रुपए प्रति बोरा, 5 टीन घी 900 रुपए प्रति टीन। ठीक है, और व्यापारी बट्टा 10%, इसको बेचा बोला मतलब ये होगा विक्रय बही में जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद बोला गया देखो 13 को जय फर्नीचर मार्ट से खरीदा 25 कुर्सियां 275 कुर्सी, तो इसमें क्या है आपका कुर्सी है मतलब ये व्यापार की संपत्ति और संपत्ति को मन क्रय बही में नहीं लिखती, इसको नहीं लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद बोला 18 तारीख को संजय एंड ब्रदर्स से खरीदा 5 बोरा शक्कर है दर 900 रुपए प्रति बोरा है, 10 बोरा गेहूं प्रति बोरा 90 किलोग्राम और 10 800 रुपए प्रति क्विंटल, इसको ये अपन बनाए हैं पहले भी बना चुके, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है बारदाने के 20 रुपए लगाया मतलब ऐड कर देना बारदाने का। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया आपका श्री दिनेश से नगद बेचा, श्री दिनेश को नगद बेचा, और हम लोग का जो बनाते हैं क्रय बही उसमें या विक्रय बही उसमें नगद का एंट्री नहीं करते, तो इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया सुवर्ण एंड ब्रदर्स को बेचा 4 बोरा गेहूं प्रति बोरा 90 किलोग्राम और दर 800 रुपए प्रति क्विंटल, बादल है 10 रुपए लगा, ये भी अपना आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों अभी जो सवाल बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि विक्रय बही और क्रय बही बनाइए करके, और इसमें नगद को और इसमें संपत्ति को बीच में घोषण घोषण कर दिया हुआ है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ करके, लेकिन आप लोग तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए द प्रयास एकेडमी खड़ा है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग क्रय बही। ठीक है, क्या बनाएंगे, क्रय बही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद विक्रय बही बनाएंगे। इसमें जो प्रश्न में मैं पढ़ा हूं उसमें कौन कौन सा क्रय बही में आता है उसको चलिए देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है आपका प्रश्न 16, ठीक है, प्रश्न 16 मैं यहाँ लिखी हूँ, और क्या बोला गया है 2002 भी लिख दिया मैं, कब का है ये अगस्त का, अगस्त। ठीक है, अगस्त मैंने लिख दिया 10 अगस्त का। ठीक है ना, 10 अगस्त को क्या बोला गया दोस्तों, ये शीतल एंड ब्रदर्स से खरीदा, ये क्रय बही बना रहा हूं तो यहां लिखता हूं मैं सीधा श्री शीतल, श्री शीतल एंड क्या नाम है ब्रदर्स, ब्रदर्स। ठीक है दोस्तों, श्री शीतल एंड ब्रदर्स से खरीदा है, कितना है 10 टीन घी दर 800 रुपए प्रति टीन, तो यहां पर कर देते हैं अपन 10 टीन घी है इनटू कितना है 800 रुपए प्रति टीन, 800 रुपए प्रति टीन तो हो जाएगा आपका 8000 रुपए, यहां लिखता हूं मैं सीधा 8000 रुपए। ठीक है ना, इसको इनटू किया तो सीधा 8000 रुपए बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है आपका, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड अमाउंट क्या दिया इसी ग्रेड को, सेकंड 15 बोरा सबका दर कितना है 1000 रुपए प्रति बोरा, तो 15 इनटू 1000 करेंगे तो 15000 रुपए आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे इन लोगों का टोटल करेंगे योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2023000 रुपए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका 8000 और 15000 दोनों को जाएगा 23000 रुपए। ठीक है ना, अब इसे क्या करेंगे
₹2,300 को हटाएंगे तो हो जाएगा आपका ₹2,700। ठीक है दोस्तों, ₹2,700 निकल रहा है इसका। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट तारीख देखो जाएंगे। नेक्स्ट तारीख जो है आपका अगस्त 18 को जाएंगे दोस्तों। इसी का संजय प्रदर्शन से कविता क्या क्या कविता लेते हैं हम लोग संजय प्रदर्शन से। पांच बोरा सबका दर ₹900 प्रति बोरा, पांच बोरा सबका ₹900 प्रति बोरा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना ₹4,500। ठीक है, पांच इंटू ₹900 करेंगे ₹4,500 आपका पहला हो गया। उसके बाद दूसरा हो क्या बोला है, इसी डेट को 10 बोरा गेहूं प्रति बोरा 90 किलो ₹10,400। ठीक है, 10 बोरा गेहूं है और प्रत्येक बोरा में 90 केजी है और आपका ₹10,700 है। तो पहले तो 10 इंटू 90 केजी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900 केजी। 900 केजी मतलब 9 क्विंटल। ठीक है, अब 9 क्विंटल को ₹700, क्योंकि ₹700 प्रति क्विंटल है इसलिए 7 सींग को इंटू करेंगे तो 9 × 7 करेंगे ₹6,600। ₹6,300 आ जाता है आपका, ₹6,300 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया प्रश्न में देखो क्या बोला गया है आपका, बारदाने के ₹20 ऐड किए यहाँ पर लिख दिया ₹20। ठीक है, तो 4,500 को ₹300 और ₹20 को सभी को ऐड करेंगे ये हो जाएगा दोस्तों आपका ₹10,820। ₹10,820 इसका हो रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों अपन, ये जो पहला वाला और दूसरे वाला जो है आपका 10 अगस्त का और 20 अगस्त का जो टोटल अपने बाहर निकाले हैं इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा आपका ₹31,520। ₹31,520 हो रहा है दोस्तों आप लोग का कुल योग। ठीक है, कुल योग हो रहा है आपका ₹31,520। अपने बुक में मिलाइए ₹31,520 इसका टोटल जो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ इसका। हाँ दोस्तों, ₹31,520 इसका आंसर आ गया है बुक में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसी का प्रश्न नंबर 16 का विक्रय वही। ठीक है दोस्तों, विक्रय वही हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 का मैंने विक्रय वही बना लिया है। मैं आप लोग को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ विक्रय वही कौन कौन सा होगा इसमें। देखो 12 तारीख को बोला गया है 12 अगस्त को राजेश को बेच क्या किया है, बेचा राजेश को बेचे है 5 × 900 प्रति टीन। ठीक है, तो क्या किया मैं 5 × 900 किया तो हो गया आपका ₹4,500। ठीक है दोस्तों, ₹4,500 यहाँ पर। उसके बाद बोला गया आपका 4 × 70 = ₹1,200 प्रति बोरा। ठीक है, 4 × 70 = ₹1,200 प्रति बोरा, तो क्या किया अपन 4 × 12 किए तो ₹4,800 हो गया। ठीक है दोस्तों, ₹4,800 ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इनका हम टोटल करेंगे। ठीक है, 4,500 का और 4,800 का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ₹9,300। ठीक है दोस्तों, ₹9,300 हो गया। उसके बाद बोला गया आपका व्यापारिक बट्टा घटाना है 10%। प्रश्न में दिया है व्यापारिक बट्टा 10% घटाना है तो मैंने यहाँ पर लिख के घटाया व्यापारिक बट्टा 10%। तो 9,300 का 10% कितना होगा दोस्तों, 9,300 का व्यापारिक बट्टा 10% कितना होगा दोस्तों, ₹930। ठीक है ना, तो ₹930 को क्या करेंगे घटाएंगे इससे 9,300 से, तो कितना हो जाएगा ₹8,370। ठीक है दोस्तों, ₹8,370 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेट और क्यों सा दिया है देख लीजिए, फिर दिया आपका 25 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, 25 अगस्त को विक्रय है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, दोनों बस विक्रय है अपना। ठीक है ना, तो 25 अगस्त को है सोहन एंड प्रदर्शन। ठीक है, सोहन एंड प्रदर्शन को विक्रय किए हैं, तो क्या क्या विक्रय किए हैं देख लेते हैं। 4 बोरा गेहूं प्रत्येक बोरा में 90 केजी। ठीक है, एक बोरा में 90 केजी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे। क्विंटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 × 90 केजी करेंगे तो निकल जाएगा हमारा 3 क्विंटल 60 किलो। ठीक है दोस्तों, 3 क्विंटल 60 किलो हमारा निकल रहा है। अब बोला गया प्रश्न में कि ₹800 प्रति क्विंटल, तो एक क्विंटल का ₹800 है तो इनका इनसे इंटू करेंगे। ठीक है, 3 क्विंटल 60 किलो का ₹800 से इंटू करेंगे, सीधा निकल जाएगा कितना हमारा ₹2,880। इधर निकल जाएगा ₹2,880 निकल रहा है। ठीक है, अब करेंगे क्या, बारदाने का ऐड करने कितने रुपए, ₹10। तो ₹2,880 में बारदाने का ₹10 ऐड किए तो ₹2,890 ये हो रहा है। ठीक है, हमारा इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, जो शुद्ध राशि है उसको टोटल करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो टोटल करेंगे कितना आएगा ₹8,370। ठीक है दोस्तों, ₹8,370 और ₹2,890, ₹8,370 और ₹2,890 को क्या करना है हमको, टोटल करना है, प्लस करना है।
तैयार हो चुका है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।